हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनाइजिंग का क्या मीनिंग है, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग के बारे में जानेंगे कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में और बिजनेस में क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है वो है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पेशलाइज होना किसी भी चीज़ में। ठीक है, जैसे मान के चले कि हम कोई भी काम कंटिन्यूसली बार बार करते हैं तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मीन्स हम किसी आप जो इम्प्लॉयज़ हैं उनके ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम उन्हें दे देते हैं, तो जो काम वो करते हैं उसमें उनको वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं। और स्पेशलाइज होने की वजह से इसका पूरा बेनिफिट किसको मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। सो इन ऑर्गेनाइजेशन द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट पर्सन आर असाइंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, अलग अलग काम में बांट दिया जाता है और अलग अलग पर्सन को उनकी ड्यूटीज़ दे दी जाती है। इट ब्रिंग्स स्पेशलाइजिंग इन वर्क सिंस वन पर्सन विल बी टेकिंग अप द सेम टास्क रिपीटेडली एंड दिस विल इम्प्रूव हिज और हर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी काम लगातार करते हैं तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पेशलाइज होने की वजह से जो हमारी जो प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो हम काम करते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी वर्क सामने आता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस डिवीजन ऑफ वर्क द असाइनमेंट ऑफ वर्क एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, किसकी तरफ इशारा करता है, स्पेशलाइजेशन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जब हम पर्सन को ड्यूटी असाइन कर देते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, तो बार बार वो सेम टास्क करते हैं और इस वजह से वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाते हैं। इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। देखो, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कहने का मतलब ये है कि देखो, हमने ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू सबके प्लेसमेंट कर दिए कि किस पर्सन को क्या काम करना है, तो क्लैरिटी है किसके बीच में, वर्किंग रिलेशनशिप के बीच में, कि सबको पता है कि हमें क्या काम करना है। ठीक है, सो इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द प्लेसमेंट ऑफ पर्सन एट डिफरेंट जॉब इज़ डन। हर किसी को प्लेसमेंट दे दी जाती है, जॉब दे दी जाती है उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग, एंड द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन इज़ क्लियरली डिफाइंड। तो हर किसी को पता होता है कि मेरी जॉब के अकॉर्डिंग क्या क्या मेरी अथॉरिटी है और क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ईच मैनेजर नोज टू हूम ही कैन ऑर्डर और फ्रॉम हूम ही हैज़ टू गेट इंस्ट्रक्शन। तो सबको पता होता है जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो उसको कहाँ से उसको कलेक्ट करनी है, वो ऑर्डर किस किस को दे सकता है और किस किस से वो अपने ऑर्डर जो मतलब ले सकता है इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये है कि उसकी अथॉरिटी ये होगी कि वो किस किस को ऑर्डर दे सकता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि उसको किसकी इंस्ट्रक्शन माननी है। ओके, अब थर्ड देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब होता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। वो कोई भी रिसोर्स हो सकता है, वो ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है और फिजिकल रिसोर्स भी हो सकता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि जो ह्यूमन होते हैं, जो मतलब वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ह्यूमन एसेट होती है ना, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की। तो हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है किसका, रिसोर्सेज का, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर फिजिकल लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, सो द वर्क ऑफ एवरी पर्सन इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड देर इज़ नो स्कोप फॉर ओवरलैपिंग एंड डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। हर किसी को पता है मुझे क्या काम करना है, तो इसकी वजह से ना तो ओवरलैपिंग होती है और ना ही डुप्लीकेशन होती है, बार बार कोई रिपीट वर्क नहीं करता। दिस विल हेल्प इन अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बचते हैं, क्यों, क्योंकि जब काम हम एफिशिएंटली करेंगे या फिर हमें पता होगा कि हमें कौन सा काम कब करना है, तो ऑब्वियस ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होगी और ना ही डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी होगी, जिससे कि हम ह्यूमन एसेट्स भी एफिशिएंट यूज़ कर पाएंगे और फिजिकल रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। An effective distribution of work will also ensure that every activity is done well in time and making best use of resources. तो उसने बताया कि इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, जो काम होगा वो जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगी काम की, सबको पता होगा काम कैसे करना है, इसकी वजह से हम एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कर पाएंगे। फोर देखो, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, हमें पता है हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, एंड ग्रोथ,
देखो हर फर्म जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब यही चाहते हैं कि पहले हम सर्वाइव करें मार्केट में, उसके बाद ग्रोथ करें, यानी कि धीरे धीरे अपना बिजनेस और आगे बढ़ाएं। तो अगर हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे और जो हम जो वर्क हमने असाइन किया है एम्प्लॉयज़ को, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन भी होगा और ग्रोथ भी होगा किसका, बिजनेस का। ठीक है, एरियाज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस ग्रो इफ इट हैज़ अ वेल नीट ऑर्गेनाइजेशन। तो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, हमने सबको प्रॉपर वे में काम दे रखा है, अच्छे से काम हो रहा है, तो हमारी ग्रोथ जो है वो होगी ही। देयर विल बी अ नीड फॉर एम्प्लॉइंग मोर पर्सन वेन एवर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन टेक प्लेस। देखो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम अपना काम बढ़ाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि हमें अपने वर्कर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब हम वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ बढ़ाने की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि हम जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतने ज़्यादा ही उनको हमें ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल एनेबल द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोर पर्सन विदाउट डिस्टर्बिंग द वर्क। अब बता रहा है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनाएं, मतलब जो हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं वो फ्लेक्सिबल हो, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो सके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो सके, तो क्या हो जाएगा, हमारा काम डिस्टर्ब भी नहीं हो पाएगा और हम अच्छे से कर भी लेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो क्या बोलता है, अडेप्शन टू चेंज। देखो वर्ड क्या आ रहा है, अडेप्शन टू चेंज। हम सब जानते हैं कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा भी है कि जो बिजनेस है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम करता है ना। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब जो रिसेंटली चेंज होता रहता है, फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, तो हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं बिजनेस जो होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हमें खुद की पॉलिसीज़ में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में, जो हमारा काम है उसमें चेंज करना पड़ता है। तो वो इसी कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो अडेप्शन टू चेंज, तो चेंज करने में भी हमें मदद मिलती है। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन अडेप्शन टू चेंज व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बी मॉडिफाइड टू अकोमोडेट चेंजेस। तो वो मदद करता है कि हम और जो चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में उसके साथ कॉप अप कर सकें। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है कि जो वर्क है, जो वहाँ पे काम है वो इफ़ेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, अथॉरिटी पता है, अकाउंटेबिलिटी पता है। जब हमें सबको, जो वर्कर्स वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको इन तीन चीज़ों के बारे में पता होगा कि मेरी क्या क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको मैं अकाउंटेबल हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन ब्रिंगिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड क्लेरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, क्योंकि हर किसी को पता है कि मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, तो ना ही तो यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट होगा, ना ही कोई कन्फ्यूजन होगी और ना ही डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होगा। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल से यहाँ पे किसका मतलब है, एम्प्लॉयज़ का मतलब है। पर्सोनल से यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ये एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड है। तो डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो जब हम किसी को उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम देंगे, काम जो है उसको ड्यूटीज़ देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो क्या होगा, जो उसके अंदर टैलेंट है वो क्या होगा, उभर के सामने आएगा। उसको पता होगा कि मुझे ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो हम उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम देंगे, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयज़ का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजरल पर्सोनल आर ट्रेंड टू एक्वायर वाइड एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एक्टिविटीज़ थ्रू डेलीगेशन। देखो डेलीगेशन मैंने आपको बताया था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जब हम अपने अथॉरिटी मीन्स आपने क्या किया, जो आपको जो आपकी अथॉरिटी थी, पावर थी, वो आपने डेलीगेट कर दी अपने सबॉर्डिनेट को कि वो भी आपके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। कुछ उसमें फैक्ट सीन में ऐसा नहीं है कि आपने सारी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, नो। तो अब क्या होता है, आप जब उसको अथॉरिटी देना स्टार्ट करते हैं तो उससे पता चलता है धीरे धीरे कि मेरी ये कैपेबिलिटी है, मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल होगा। ठीक है, द वर्क ऑफ मैनेजर इज डेलीगेटेड टू सबॉर्डिनेट फॉर रिड्यूसिंग देयर वर्कलोड, द मैनेजर विल बी एबल टू डिवोट देयर टाइम एंड एनर्जी ऑन स्ट्रेटेजिक इशू एंड सबॉर्डिनेट विल बी मोटिवेटेड टू टेक अप चैलेंजिंग जॉब। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम काम उसको अपने सबॉर्डिनेट को देगा तो उसे भी पता चलेगा कि काम किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, और उसकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन।
इसके बाद इसकी 8th इंपॉर्टेंस देखो, हेल्प्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखो उसमें क्या था वर्ड जो हमने पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था, जो पहले हमने किए थे उसमें था इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो इफ़ेक्टिव करने में मदद करती है, इफ़ेक्टिव होता है एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। अब इसमें क्या बोल रही है, जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोलता है हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसमें तो बताया गया था कि जो ऑर्गेनाइजिंग होती है उससे इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होती है, अब ये बता रहा है कि किस तरह से हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेशन की। देखो एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड साउंड फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजरल कंट्रोल। देखो जो ऑर्गेनाइजिंग है, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ड्यूटीज़ और टास्क उनको देते हैं, तो उसकी वजह से साउंड फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजरल कंट्रोल, तो मैनेजरल कंट्रोल करने में मदद मिलती है, ठीक है। वेरियस मैनेजरल फंक्शन विल बी इफेक्टिवली परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजरल फंक्शन कैसे करने को मिलते हैं ऑर्गेनाइजिंग से, देखो आपने किसी को ड्यूटीज़ दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, जो वर्कर्स होते हैं उन्हें प्रॉपर पता होता है हम काम कैसे करें कैसे नहीं, तो इसकी वजह से क्या होती है इफेक्टिवनेस आती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो इफेक्टिवनेस आती है उस किसके थ्रू आती है, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू आती है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम करते हैं फॉर्म्स में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रॉपर वे में काम कर पाता है। सो द फंक्शन लाइक कोऑर्डिनेशन कंट्रोल रिक्वायर अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ वेरियस फंक्शन एंड देयर असाइनमेंट टू सूटेबल पर्सन। देखो हम ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, जो ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, वही बांटते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी और टैलेंट, ठीक है। तो अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी क्या किया जाता है, यही सब चीज़ की जाती है कि मैनेजरल फंक्शन अच्छे से हम कर सकें। तो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जब हम दे देते हैं ड्यूटीज़ वगैरह, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है, जिससे कि हम जो हमारे छोटे छोटे फंक्शंस हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन है कि लोग कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, ठीक है, जो कंट्रोल है वो प्रॉपरली हो पाता है। अब देखो उसके बाद आ गया वर्ड इजी कोऑर्डिनेशन। देखो इसमें हमने बात की थी कि कोऑर्डिनेशन में मदद करती है, अब ये क्या कह रहा है कि क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन में मदद करती है तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो इजीली हो पाता है। देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब हम पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम दूसरों से कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, कोऑर्डिनेट मीन्स तालमेल बना के चलते हैं, ठीक है, लिंक रख के चलते हैं। मान के चलो कि आप सेल्स मैनेजर हो, ठीक है, तो आपके साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा कि आपकी सेल्स अच्छी होगी, प्रोडक्शन मैनेजर, है ना। अगर प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो सेल्स मैनेजर आगे सेल क्या करेगा, तो प्रोडक्शन मैनेजर किसके साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, सेल्स मैनेजर के साथ, ठीक है। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो उसके साथ कौन कोऑर्डिनेट करके चल रहा है, परचेज डिपार्टमेंट, है ना। अब अगर परचेजिंग ही नहीं होगी रॉ मटेरियल्स की या जो भी इक्विपमेंट हमें चाहिए, तो हम क्या प्रोडक्ट करेंगे, कुछ प्रोडक्शन करेंगे, हम प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके चलता है। अब देखो अब मैं हूँ परचेजिंग डिपार्टमेंट, मान के चल रहे हैं कि मैं परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, कोई और है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, अगर वो दोनों कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एक दूसरे की बात को समझ के चलेंगे, तो क्या होगा, इजीली जो काम है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू यही होता है कि जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, परचेज डिपार्टमेंट को पता है कि टाइम टू टाइम मैं जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल करवाऊँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि मैं टाइम टू टाइम प्रोडक्ट बनाऊँ, तो इससे क्या होगा, इजी कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी को पता है मुझे क्या करना है, ओके। तो एवरी एंटरप्राइज हैज़ अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस, तो दीज आर असाइंड डिफरेंट ड्यूटीज फॉर अचीविंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो देयर इज़ अ नीड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ वेरियस सेक्शन और सेगमेंट्स, मैंने आपको बताया हर किसी को कोऑर्डिनेट करके चलना होता है। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन विल डिवाइड एंड सब डिवाइड द एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स बिकम कॉम्प्लीमेंट्री। अभी मैंने आपको बताया कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम हर किसी को उनकी ड्यूटीज़ असाइन कर देते हैं, एक्टिविटीज़ जो होती है वो डिवाइड कर देते हैं, जो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स की होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक की ड्यूटी के बिना दूसरे की ड्यूटी कंप्लीट नहीं हो सकती। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि परचेजिंग डिपार्टमेंट जब तक परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है।
उसके बाद बोलते हैं एनकरेज इनिशिएटिव्स। देखो इनिशिएटिव्स का मतलब क्या होता है, जब हम कोई डिसीजन इनिशिएट फटाफट लेते हैं ना, इनिशिएटिव्स दिखाते हैं, मतलब आप क्या करते हैं कि आगे बढ़कर, ठीक है, आप पार्टिसिपेशन वगैरह करते हैं, तो इस इनिशिएटिव कहते हैं कि आप एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल प्रोवाइड सफिशिएंट स्कोप फॉर टेकिंग इनिशिएटिव्स, ठीक है, आगे बढ़कर आप क्या कर रहे हो, इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हो, फटाफट आप डिसीजन ले पा रहे हो। तो पर्संस आर अलाउड टू ट्राई न्यू आइडियाज़ फॉर इम्प्रूविंग अपॉन देयर वर्क। जो पर्संस होते हैं उनको इतना, मतलब आपको दिया जाता है, आपके पास इतनी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि भाई आप न्यू आइडियाज़ ले सकें ताकि आप काम अच्छे कर पाएँ, आप अच्छे से काम कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ। The policies and procedures are laid down for the guidance of managerial personnel, but within these limits, people are given freedom to show their talent. देखो कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है कि काम तो हम मान के चल रहे हैं कि हम मैनेजर के अकॉर्डिंग या फिर जो हमें टास्क दी गई है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, बट उस काम के अकॉर्डिंग ही हमें इतनी फ्रीडम तो दी ही जाती है कि हम अपना टैलेंट शो कर पाएँ। जैसे मान के चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है भाई ये प्रोडक्ट तो बनाना है, बट लेकिन अगर कोई वर्कर है, अगर उसके अंदर टैलेंट है, तो वो जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बनाए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी हो रिसोर्सेज का, क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो, क्वांटिटी भी सही हो, अट्रैक्टिव भी हो, तो क्या हो रहा है, वो अपना टैलेंट शो कर रहा है, ठीक है, बट काम तो कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, बट साथ साथ वो अपना टैलेंट भी दिखा पा रहा है। ओके, एनकरेज इन मैनेजरल एफिशिएंसी। देखो मैनेजरल एफिशिएंसी, मैनेजर का वर्क क्या होता है कि जो भी काम हो रहा है कोऑर्डिनेट करके चलें सारे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, जो हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं वो गोल्स अचीव हो, स्किल्स भी बढ़े, और ये सारी चीज़ें हम क्या बोलते हैं, मान के चलते हैं कि जो मैनेजरल एफिशिएंसी है वो यही होगी कि वर्कर्स अच्छे से काम करें ताकि हम क्या अचीव कर पाएँ, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कर पाएँ, लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि एफिशिएंसी बढ़े, ठीक है, मैनेजरल फंक्शन यही होता है ना, मैनेजर यही काम करता होता है। तो इंक्रीज इन मैनेजरल एफिशिएंसी में वो क्या कहना चाहता है, An efficient organization help in increasing the efficiency of management. Management की efficiency बढ़ा रहा है, कैसे, The work is divided as per the skills and suitability of the person. जो काम उन्हें दिया गया है वो उनके capability, उनकी जो skill है उसके according दिया गया है। जब हमें कोई काम हमारे according दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो हम काम बहुत इफ़ेक्टिवली करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं, ठीक है। मान के चलो कोई पर्सन है, वो सेल्स डिपार्टमेंट के लिए परफेक्ट है क्योंकि उसको पता है कि हाउ टू डील विद कस्टमर्स, ओके, बट उसको अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए तो वो काम तो करेगा बट इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा कि जितना अच्छा वो किस में दिखा पा रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में दिखा पा रहा है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम काम जो है वर्कर्स की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज़ के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको काम देते हैं। तो ठीक है, अगर कोई पर्सन सेल्स डिपार्टमेंट में अच्छा कर पा रहा है तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट के में जॉब दी जाती है, ठीक है। तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि टास्क आपको प्रोवाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू स्किल। इट विल ब्रिंग बेटर वर्किंग एंड एफिशिएंसी इन वेरियस एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट विल बी एबल टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अभी भी मैंने बताया कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अपने काम बढ़ाएं और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें। देन लास्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। देखो रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर में वो क्या कहना चाहता है, लेबर टर्नओवर का मतलब पहले आपको यहाँ पे समझना होगा। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लोग काम छोड़ छोड़ के जाते हैं। देखो अगर समझने वाली बात है तो ये कि सिर्फ सैलरी कुछ नहीं होती, ठीक है, सिर्फ सैलरी कुछ नहीं होती। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो सिर्फ सैलरी के काम के लिए काम नहीं करते, एम्प्लॉयज़ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। तो जब हम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जिसके थ्रू हमने डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल की बात करी, इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात करी, कोऑर्डिनेशन की बात करी, ठीक है, जब हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो अगर किसी भी फर्म में या बिजनेस में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होगी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिडक्शन होगा लेबर टर्नओवर में, क्योंकि लेबर को पता है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ उन्हें पता है कि यहाँ पर चांसेस हैं किसके ग्रोथ ऑफ देयर कैपेबिलिटी और ग्रोथ ऑफ देयर जो आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, या ग्रोथ ऑफ देयर करियर की बात करें तो उनको पता होता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ से हमें पता तो चल ही जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेगी हमारी एफिशिएंसी में। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर
किसी भी फॉर्म में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाता है किसका, लेबर टर्नओवर का। ये लास्ट पॉइंट ज़रूर है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके। When workers are satisfied with their work and activities are taken up as plans, there will be a reduction in labor turnover. तो इससे क्या होगा, labor turnover कम होगा क्योंकि हम अपनी capability के according काम करें और जो काम हमें दिया जा रहा है वो हमारे skill के according है। तो बेटा ये जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई किसी भी फॉर्म के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप जो कॉपी में अपना इस तरीके से भी चार्ट बना सकते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर बहुत ज़रूरी होती है जब हम कोई पेपर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आप इससे कुछ सीख सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।